नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं टॉप 2 अपडेट्स आरसीबी टीम को लेकर। इस वीडियो में हम आरसीबी की दो बड़ी अपडेट्स के बारे में आपको बताएंगे, बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आरसीबी के फैंस इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर पहली अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अजीत अगरकर ने विराट कोहली की कप्तानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है आईपीएल की कप्तानी को लेकर। दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पिछले आईपीएल सीजन में ये ऐलान कर दिया था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए बतौर कप्तान ये उनका आखिरी सीजन होगा और वो अगले सीजन से एक खिलाड़ी के रूप में आरसीबी में खेलेंगे। उनके इस फैसले से फ्रेंचाइजी समेत आरसीबी के लाखों फैंस काफ़ी दुखी भी हुए थे और उसके बाद से ही अगले कप्तान को लेकर फ्रेंचाइजी की तलाश जारी है। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ने आरसीबी के इस कप्तानी की पहेली को सुलझाने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। अगरकर को लगता है कि अगर विराट कोहली आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए आरसीबी की कप्तानी संभाल सकते हैं तो ये फ्रेंचाइजी के लिए सबसे आसान समाधान होगा। स्टार स्पोर्ट्स के शो गेम प्लान में अजीत अगरकर ने कहा कि अगर विराट कोहली कप्तानी संभाल सकते हैं तो अगर वो इसे करने में खुश हैं और अगर उनमें ऐसा करने की ऊर्जा भी है तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए सबसे आसान समाधान होगा। अंत में हमने देखा कि आरसीबी ने पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त गहराई के साथ 12-13 या 14 खिलाड़ियों की एक उचित टीम बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं लगाया है। अगरकर ने आगे कहा कि ये टीम हमेशा टॉप 3 पर निर्भर करती है, मैच जीतने वाले मध्यक्रम के खिलाड़ी नहीं हैं और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर से ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप एक खिलाड़ी के लिए बैंक को तोड़ते हैं चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो तो वह आपको मैच जिता सकता है, लेकिन इससे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करने का फैसला किया है और उनके स्टार पेसर हर्षल पटेल, जिन्होंने पिछले सीजन में 15 मैचों में 32 विकेट के साथ पर्पल कैप हासिल की थी, उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रिलीज करने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये थी पहली अपडेट जहां पर अजीत अगरकर ने बड़ा बयान दिया है विराट कोहली कप्तानी को लेकर। अब वहीं पर बात करेंगे दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट है यहां पर विराट का सनसनीखेज खुलासा। उन्होंने बताया कि कुछ फ्रेंचाइजियों ने उन्हें आरसीबी से अलग करने की कोशिश की थी। अब क्या है पूरी वजह, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों विराट कोहली ने पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल में बल्लेबाज के रूप में खुद को बड़े पैमाने पर विकसित किया है। आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में 22 गज की पट्टी पर कुछ रोमांचक मैच देखने को मिले हैं जिसमें देश विदेश के कई दिग्गज खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आए हैं। हालांकि लीग के 14वें सीजन में कोहली एक फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें 2008 में उद्घाटन संस्करण से पहले ड्राफ्ट में चुना था। दिलचस्प बात यह है कि कोहली कभी भी ऑक्शन पूल में नहीं उतरे। हालांकि दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने आईपीएल करियर में काफ़ी रन बनाए हैं लेकिन वो आरसीबी को एक बार भी ट्रॉफी नहीं दिला सके हैं। इसीलिए कोहली कप्तानी में उनके योगदान पर काफ़ी सवाल उठाए गए थे। हालांकि दोस्तों कोहली आरसीबी की जोड़ी को अब तक कोई भी चीज़ तोड़ नहीं पाई है और 33 वर्षीय है कोहली ने यहां तक कहा कि वो जब तक आईपीएल खेलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के लिए खेलेंगे। टीम के साथ अपने बंधन के बारे में बात करते हुए कोहली ने खुलासा किया कि ऑक्शन पूल में उतरने के लिए उन्हें विभिन्न फ्रेंचाइजियों द्वारा संपर्क किया गया था। हालांकि अनुभवी बल्लेबाज को लगता है कि आरसीबी के साथ उनकी वफादारी किसी अन्य टीम के साथ खिताब जीतने से कहीं अधिक है। आरसीबी पॉडकास्ट में बात करते हुए विराट कोहली ने कहा कि ऑक्शन में आने के लिए मुझसे कई बार संपर्क किया गया है, मैंने इसके बारे में सोचा है। ऐसे में कई महान खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने ट्रॉफियां जीती हैं, इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और अगर आप बुरे आदमी हैं तो वे आपसे दूर रहते हैं। कोहली ने आगे कहा कि आखिरकार यही जीवन है, आरसीबी के साथ वफादारी 4-5 लोगों के कहने से कहीं अधिक है कि आपने आखिरकार XYZ के साथ आईपीएल जीता है। इस आईपीएल ने मुझे पहले 3 साल में जो दिया है और मुझ पर विश्वास किया है वो सबसे खास है। तो दोस्तों ये थी आरसीबी को लेकर दूसरी अपडेट जहां पर विराट कोहली ने बताया कि किस तरह से फ्रेंचाइजियों ने उनसे संपर्क किया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी ये अपडेट, ये नया पैटर्न अच्छा लगा होगा जिसमें हमने पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को लेकर अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें आरसीबी की अपडेट है और ऐसे ही हम और टीमों की अपडेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ अड्डा। थैंक यू।